हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम घर पे ही है। जो कपड़े थे वो सब धो के सुखा दिए और अभी नई पैकिंग है वो करनी है। घूमने के लिए जाएंगे, खेत पे जाके आएंगे आज, क्योंकि शादी में से आने के बाद अभी तक खेत में नहीं गए हैं, तो शाम के टाइम में खेत में जाके आएंगे। अभी भाई की शादी से आई थी तो खूब सारी मिठाई और मम्मी और कविता सबके लिए कपड़े लेके आई थी, तो उनको कपड़े देऊंगी। क्योंकि मैं आई थी उस दिन तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो सो गई थी और कल डूंगरगढ़ दिखा के आई थी। आज तबीयत ठीक है तो आज सबको देऊंगी। अभी सिया भी स्कूल से आ गई। सिया की स्कूल है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। मैं आई थी उस दिन तो मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने ऐसे कुछ दिखाया नहीं था ज्यादा। खूब सारी मिठाई लेके आई थी, हम कुछ दिन तक खाएंगे। और उस वीडियो में कमेंट करके ऐसे भी बोला कि आप मिठाई नहीं लेके, मिठाई लेके आए थे, और मम्मी के लिए कविता के लिए साड़ी भी लेके आई थी, वो भी अभी देंगे। तो भी दोस्तों ये मुझे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट देरी कौन मिली होने, मैं देख यार करवायो सही थे, ऊपर कीता ही लगवा दियो चाहे नाम हो ही रेसी। 15 दिन में मुझे शांति से रहने का ये गिफ्ट मिला है। ये मंगलसूत्र है, अभी नया करवाया है, लेकिन जो मेरा पुराना था ना वो दिया था और साथ में थोड़ा मिक्स किया था। सीने ले पर नो दादी के पगदा बू में पर नो जतो जोरी नाम धो के बोलिया। आजा बोरिया खाती कविता तो मेरे छोटी है, रिपिया मेरा खोली है। जैसे भाई की शादी होती है ना तो सास के लिए ऐसे तीवड़ भेजते हैं, तो ये माँ ने भेजी है कविता के लिए और मम्मी के लिए और दादी के लिए। दादी जी अभी यहाँ पे है नहीं, दादी जी हाँ मेरी है। बोले एक मई की रोड से अच्छा ओढ़ से होगी क्या, दो बारी ओढ़ लियो नहीं आओ तू खराब नाम थी पर नोट जे था पड़ जाओ है बाकी रह गया क्यों गोले ली उसकी हाथ पर सारा ही दूजे याम ते ही रिपिया ही बोला लिया और ज्यादा पावर की भी दे दी जनी ज्यादा ही कर दिया। अब ले हो इना देड़ के देखा, मैं ये देड़ के देखी कहानी। मेरे और कविता के दोनों की सेम सेम हो गई, तो हम दोनों सेम सेम तैयार करेंगे। पाल पेटीकोट ब्लाउज बुरु कंप्लीट बेसिंग कविता लिया देख लिया मेरे लिए बाद में देख सी साड़ी पूरे मीटर की है छोटी को लगे के नहीं रेगुलर पहनने वास्ते बढ़िया है अड़की अड़की थे देखोगे थार ली ओ कलर है नहीं मैं पसंद करके ले मम्मी ओ कलर मैं पसंद करके लिए आजकल कॉफी कलर चाल रही है यार थे थारस ता इसी है भी कोने मुगो तन बढ़िया लगे तो सी मार लिया क्या भी मजे तो वे तो मेरे का पेट पास तो सही कर दी सही की मैं वही देर बैठी चलो अभी हम खेत पे जा रहे हैं चाची जी से। शादी से आने के बाद चाची जी से मिलने के लिए नहीं गए, आज जा रहे हैं मिलने के लिए। सिया के पापा तो रोज जाते हैं, हम तो कभी कभी जाते हैं। थोड़ी हिसाब ही चला लियो बस तो ये रड़बड़ा होगी कोई खेत आते है ना तो रास्ता थोड़ा खराब है तो गाड़ी को ऐसे 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 चलाते है और अभी खेत पे जाके आएंगे। उसके बाद में आज श्याम जी आ रहे हैं बेंगलोर से। ये गेहूं भी अभी थोड़े दिन बाद में आने वाली है, थोड़ी थोड़ी सूखने लग गई और ये लाइन चल रही है गेहूं के अंदर हमारे। हाँ?
आज खेत में जाके अभी गाजर खाएंगे, खेत में गाजर है बोई हुई। मैं तो भाई रोज आता हूँ गाजर खाने के लिए। ओदे ओदे चाचा देख, चाचा चाचा पंकज चाचा है, देख नहीं पंकज चाचा गाजर खासी के ले थार से पर हाथ फेर दे। हाँ ब्याह जाइए, तो भाई अब खाएंगे गाजर। खेत में काकू जी ने खूब सारी गाजर बो रखी है। गाजर खासी है, खासी लाइन पूरी चला चौंक ले ले के आगे आगे। ये कीड़ी का रास्ता है, वे चींटी जा रही है, ऐसे रास्ते जा रही है। देखो हम लोग अभी गाजर निकाल रहे हैं, हालांकि सीजन चला गया, पक गई गाजर ज्यादा ही थोड़ी सी, फिर भी गाजर खानी चाहिए। हम लोग गाजर खाएंगे अभी। गाजर जो है वो मीठी बहुत है, मीठी मीठी गाजर है। अभी मेल दे तो हाथ के क्यों हो रेत, कोई बात कौन नकता सिया, ऐसे छोटी छोटी गाजर है भाई। कौन बोले तीतर ने, तीतर बोले खेत में हमारे, तीतर बोले। घर पे लगाई थी हमने गाजर, वो तो हुई नहीं, पता नहीं किस कारण से लेट बोई थी, शायद ऐसे ही हो सकता है। खेत में गाजर है तो थोड़ी गाजर उपाड़ के लेके जाएंगे घर पे, क्योंकि बहुत मीठी मीठी गाजर है। हाँ तू तो खाए को नहीं, और यह गाजर मोटी सरी है, काट बस नहीं खानी है। क्यों ये करे क्यों तन के जोर है भाई, सब जोर है। ए यहां तोड़ तोड़ के फेंकी किया कहीं, अरे खराब हो रही है, कल्दी हो रही है, मां लक्ष्मी से है। तोड़ के साफ कर ले, नीचे नीचे बिठा दियो। हां गाजर तोड़ ले, तोड़ ले सब्जियां होए जना थोड़ी की कौन भाई है, सब्जियां होए जना खाली गाजर रमान करनी पड़े सब्जियों की, नहीं पालक करो और नहीं पालक कर मूली। बाल्टी भर ली अभी घर पे लेके जाएंगे, खाएंगे, और खिचड़ी में सबसे ज्यादा काम आएगी। हम रोज खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में सब्जियां डालते हैं। ये गिलो है और हम काढ़ा बनाने के लिए घर पे लेके जाएंगे। आप सिर्फ आपको ही पीना है, आपको ही बनाना है। खेत से गाजर लेके आ गए। तो भाई आज जो हमारे घर पे पंडित जी पधारे हैं, नंदू जी, और ये भी नंदू जी सहजरासर गांव से आए हैं, पूजा पाठ के लिए इनको बुलाया था। घर के अंदर सुख शांति के लिए पूजा है कोई, और सुख समृद्धि अनुष्ठान। तो वैसे यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, बाकी ये अभी जाएंगे और कल पुष्कर जी के अंदर अनुष्ठान है वहां पर करेंगे। अनादि काल से परंपरा है, अनुष्ठान परंपरा हमारे हिंदुओं की, सनातनियों की। तो आज ये अनुष्ठान से जुड़े हैं, धार्मिक में ये ऐसी मान्यता है कि अनुष्ठान प्राय शुभ कर्म करते रहते हैं, तो आज हमें अवसर मिला, इस प्रकार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे घर पधारे, आओ भोजन करो। मामा दे तो कतली खांता खांता आयो, सिरोत के खाओ हैं, कतली खांता खांता आयो, समझ में थोड़ी है। मैं जला दू, देखो भाई श्यामा आ गया, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, अब दोबारा बनाना पड़ रहा है, आवाज़ नहीं आई थी, ये अभी अभी आया है। और किया है, और बढ़िया है, हर बढ़िया है। बैठ दो, बेंगलोर का है जो पानी सही नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे बाल उड़ गए इसके वहाँ जाने के बाद में, कहीं यहाँ हुआ है वो बाल पानी फर्क पड़े है ना। तो तू यहाँ बता, तेरे दोस्त हैं अभी सही है सब का, ज्यादातर का पानी उधर ही फर्क नहीं, रिपिया वाला हुआ है, पानी को फर्क है। तो दोस्त भी रिपिया वाला ही है।
रिपियां को फर्क पड़े नहीं जिमो भोजन करो आओ भोजन करो आप ना के धागो मंटा हरकत ले आओ जो नीवड़ी थोड़ी है हमारे ना घर पे मिठाई बनवाते हैं ना तो खूब सारी बनाते हैं तो बच भी जाती है। अभी मामा जी घर पे इतनी सारी मिठाई पड़ी है कि सब्जी रोटी भी नहीं खाते। काजू आप ही 20 किलो काजू की कतली कतली बच गई इतनी भी बच गई। अब तो थोड़ी सी दो ट्रे रही है दो ट्रे तो 5 किलो हमारे से मिठाई बचती है ना तो खूब बांटते भी हैं लेके भी जाते हैं हम भी लेके आए थे और घर में भी ऐसे 10-20 दिन तक माहौल रहता है कोई भी आता है ना तो वो सूखने के बाद में मिठाई चलती रहती है स्वाद ही बहुत लगे हैं नहीं कम कर दिया